आज हम पढ़ेंगे फ्लैमिंग्स के रूल्स राइट हैंड थर्म रूल फर्स्टली होता है राइट हैंड हैंडर्म रूल ये किस लिए यूज करते हैं हम किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए हम यूज करते हैं लेट सपोज दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर करंट इज अपवर्ड एंड योर फिंगर्स रैप अराउंड टेल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है ऐसे ही लेफ्ट हैंड रूल में आपको अपनी तीनों उंगलियों को ऐसे परपेंडिकुलर रखना है तो आपकी जो ये वाली फिंगर है फर्स्ट फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगी ये मोशन के बारे में और ये करंट के बारे में तो मोशन यहां पर किस चीज का होता है स्ट्रेट कंडक्टर है कोई उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो मूव करता है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा उसे फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सिमिलरली राइट हैंड हम रूल का भी यूज करते हैं हम सॉरी फ्लैमिंग का राइट हैंड रूल ये हम कब यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट इंड्यूस करंट मींस एक वायर है करंट कैरिंग उसके आसपास अपने आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस वायर को अगर हम मूव करेंगे तो वो एक ऐसे वायर के अंदर, अंदर करंट को इंड्यूस कर सकती है जिसके अंदर पहले से कोई करंट नहीं था